आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, डाई हाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन विभिन्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन पर भाप की क्रिया से बने CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2 हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि डाई हाइड्रोजन की औद्योगिक उत्पादन विभिन्न विधियों द्वारा की जा सकती है, अर्थात हाइड्रोकार्बन पर भाप की क्रिया से बने कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को कहते हैं। पहला विकल्प है भाप अंगार गैस, दूसरा है सीन गैस, तीसरा है प्रोड्यूसर गैस यानी कि वायु अंगार गैस, और चौथा है औद्योगिक गैस। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सर, ये क्या है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो इन दोनों के जो मिश्रण होते हैं दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भाप अंगार गैस कहते हैं। ठीक है, भाप अंगार गैस, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, भाप अंगार गैस कहते हैं। तो इसलिए पहला विकल्प जो है हमारा सही उत्तर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2 के मिश्रण को भाप अंगार गैस कहते हैं। सीन गैस क्या होता है दोस्तों, सीन गैस जो होता है हमारा, यह मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस जो होता है वह ज्वलनशील और अज्वलनशील गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, औद्योगिक गैस जो है वह भाप अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस, इन दोनों का मिश्रण को औद्योगिक गैस कहते हैं। इसलिए केवल पहला विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।